अगर आप किसी प्रोफेशन को अगर आप दिल से प्यार करते हो, तो आप उस प्रोफेशन में जिसके कारण हो, उस कम्युनिटी को अगर किसी भी प्रकार का परेशानी होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो बहुत बुरा लगता है दिल से। मैं 2 दिन से पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मेरा मन जो है ना, मेरा जो दिल जो है, वो पता नहीं कहीं ना कहीं एक दूसरी जगह पे आपके एकदम पूरी तरीके से अटका हुआ है। और एक अलग तरीके की जो बातें हैं उसको मैं महसूस कर पा रहा हूं। मैं इसको बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि बोलना आवश्यक है, क्योंकि तो जिसके कारण हम लोग हैं, हमारा भविष्य है, हमारा करियर है, हमारा सब कुछ है, उनको जब कहीं पे दिक्कत हो तो उनके लिए आवाज भी उठानी चाहिए, उनके लिए खड़ा भी होना चाहिए, और जो भी हो सकता है अपने स्तर पे करना चाहिए। हम एक टीचर हैं, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई 5 बच्चों को पढ़ाने वाला हो सकता है, कोई 5 लाख बच्चों को पढ़ाने वाला हो सकता है, कोई आपके बच्चे से 5 रुपए कमाने वाला हो सकता है, कोई 5 लाख, कोई 5 करोड़, कोई 5 अरब, कोई पूरा का पूरा अपना साम्राज्य खड़ा कर लेने वाला होता है। लेकिन इस सब चीज जिसके कारण होता है वो होता है स्टूडेंट्स। दिल्ली के राजेंद्र नगर में जिस तरीके की घटना हुई उसकी हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं, प्रबल मंथन के माध्यम से, टीम प्रबल के माध्यम से। तो बिल्कुल दिल दहला देने वाली एक घटना के तौर पे आप देख सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटे और अपनी बेटी को अपने अपने से दूर, बहुत दूर, जो उनकी आंखों का तारा होता है, भेजता है कि ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके, समाज में परिवर्तन ला सके, सिस्टम को चेंज कर सके। लेकिन जब वो बच्चा खुद उस सिस्टम का शिकार हो जाता है, तो सिस्टम पे सवाल उठा के भी हम लोग क्या करें समझ नहीं आता। कोचिंग के बेसमेंट में अचानक से जल जमा हुआ, तेजी से पानी भरने लगा, जो बच्चे निकल सकते थे वो निकल गए, कुछ बच्चे उसमें फंस गए, और उनमें से 2-3 बच्चों की आपकी डेथ हो गई। उन बच्चों के परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, इस चीज को आप और हम अगर थोड़े से भी इमोशनल हैं हम लोग, तो उस बात को समझ पा रहे होंगे कि वो क्या करने आए थे और किस रूप में वो जा रहे हैं और क्या उनके परिवार के ऊपर बीत रहा होगा। इस प्रक्रिया में जो भी जिम्मेवार है, इस कुव्यवस्था के लिए जो भी जिम्मेवार है, बिना किसी पॉलिटिकल एरोगेंस के, बिना किसी पॉलिटिकल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के, जो भी इसमें दोषी है, जो भी इसमें व्यवस्था आपकी करप्ट है, उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संज्ञान लेकर के, और इसके ऊपर जितना कड़ा एक्शन हो सके उतना लेना चाहिए, कि ताकि भविष्य में फिर से कोई श्रेया जो आईएएस बनने आई हो दिल्ली में, और उसका सौ उसके माता पिता के पास, केवल एक अव्यवस्था के कारण, एक कुव्यवस्था के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, सही समय पे आपकी मदद ना पहुंच पाने के कारण, लापरवाही के कारण वो उस चीज का शिकार हो। मतलब भारी मन से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, पता नहीं ये ताकत मेरे अंदर कहां से आई है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन आज एक शिक्षक होने के नाते अलग बात है कि वो मेरे शिष्य नहीं थे, लेकिन वो एक शिष्य थे और मैं एक शिक्षक हूं। मुझे बहुत बुरा लगा है इस बात का, और मैं उन सारी अपनी दिवंगत, हमारी जो भी शेरनी है और जो भी हमारे शेर हैं जो इस कुव्यवस्था के लापरवाही के शिकार हुए हैं, उनकी दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा टीम प्रबल, पूरा का पूरा प्रबल मंथन, पूरा का पूरा हमारा परिवार उन परिवार के साथ मजबूती से आपके खड़ा है। फिर से मैं सरकार से यही यही मैं रिक्वेस्ट आग्रह करना चाहता हूं कि अब आरोप प्रत्यारोप का आप लोग कोई भी खेल मत कीजिए, सब एक प्रॉपर तरीके से एक बेस्ट मैसेज देने का काम कीजिए। बच्चों के अंदर जो असंतुष्टि आपकी फैलती जा रही है, जो डर फैलते जा रहा है, जो भय फैलते जा रहा है, उनके परिवार के अंदर जो फैलते जा रहा है, उसको कितना जल्दी हम रोक सके
अब जो गया उसको वापस तो नहीं लेकर के आ सकते, लेकिन लाखों जो अभी बचे हैं उनमें से किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जरूर अवश्य कदम उठाने की आवश्यकता है। जहां से आप पैसा कमाते हो उनके बारे में, यानी वो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं और आपको सब कुछ अपना मानते हैं, तो आपको भी उनको अपने बच्चे की तरह देखभाल करनी चाहिए। जब आपको पता है कि बारिश का मौसम है, दिल्ली की ऐसी स्थिति है, तो बेसमेंट में उन बच्चों को एंट्री तक नहीं देना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था। और ये स्थिति देख करके मतलब ऐसा लगता है कि इन बच्चे की क्या आपकी गलती है। हम इस शेरनी को हम आईएएस के रूप में देखना चाहते थे, हम इनको आईपीएस के रूप में देखना चाहते हैं, आईएएस के रूप में देखना चाहते हैं, हम इस स्थिति में बिल्कुल इनको नहीं देखना चाहते। दिल बहुत दुखी है, मन बहुत भारी है। हम कोई इस इवेंट के ऊपर या इस सेशन के ऊपर हम कोई वो फुटेज नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हमारी दिल की बात थी। अगर मैं ना कहता तो फिर मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मानता जीवन भर कि बच्चों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए था, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए था, उनके लिए हमें बात करनी चाहिए थी। तो आप सब लोग ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, उनके परिवार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा इन बच्चों के, ताकि उनको भी पता चले कि ठीक है उनका बेटा या उनकी बेटी नहीं रही, लेकिन पूरे देश का एक एक बेटा एक एक बेटी उनके साथ, उनके परिवार के साथ उनका बेटा और बेटी बन करके खड़ा है। और जो भी जिम्मेवार है, जो भी लापरवाही हुई है, जो भी कुव्यवस्था है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष सबको एक साथ मिल करके एक मजबूत मैसेज देने की जरूरत है, और इस सारी सिस्टम को यथाशीघ्र ठीक करने की आवश्यकता है कि फिर कोई इसका शिकार ना हो। इसके पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग लगने की घटना आप सब लोगों ने देखा था, तो ये कब तक होता रहेगा, इसको रोकने की बहुत सख्त आपकी जरूरत है।